अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ गुलाम नबी अहमद। आज मैं बात करूंगा कि एक इंसान कैसे सोसाइटी के अंदर अपने आप को ग्रूम कर सकता है और कैसे अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बना सकता है, और वैल्यूएबल बनना ज़रूरी क्यों है ये भी बात मैं आपको बताता चलूंगा। और मैं स्टार्ट करूंगा एक एग्ज़ैम्पल से, मिल्क की एग्ज़ैम्पल लेते हैं। मिल्क जो है वो जब कच्चा होता है, कच्चा दूध होता है, रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, या रॉ दूध कहते हैं, रॉ मिल्क कहते हैं, जब रॉ होता है तो वो बहुत सस्ता होता है। उसके बाद दूध से हम लोग दही बनाते हैं, दही से हम लोग मक्खन बनाते हैं, और मक्खन से हम लोग घी बनाते हैं। अब ये तीन चार ऐसी स्टेजेस हैं जिससे मिल्क जो है वो गुज़रता है और एक एंड पे घी बनता है। तो मक्खन से हम लोग जब दही बनाते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत दही ऐड करते हैं ताकि दही बन जाए, और उस वक्त मिल्क अपने आप को बिल्कुल कन्वर्ट कर देता है दही के अंदर। उसके बाद दही को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूजन के बाद उसमें से मक्खन अलग हो जाता है और लस्सी जो है वो सेपरेट हो जाती है। तो मक्खन को फिर हम बॉयल करते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी साइड पर जाती हैं, और घी जो है वो बच जाता है। अब जो घी है वो बहुत कीमती होता है। मिल्क और घी का आपस में अगर आप कंपेरिज़न करें तो सबसे जो महंगा है वहाँ पर वो घी है, और मिल्क जो है वो सस्ता है। तो ऐसे ही इंसान की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इंसान अगर अपने आप को वैल्यूएबल बनाना चाहता है तो उसको पहले अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, गर्म अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी। गर्म से मुराद जैसे हम घी को गर्म करते हैं, सॉरी गर्म करते हैं उसको, मक्खन को गर्म करते हैं तो घी बनता है। ऐसे इंसान को भी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो एक यूज़फुल पर्सन बनता है सोसाइटी के अंदर। यूज़फुल पर्सन बन कैसे सकते हैं सोसाइटी के अंदर? अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आजकल पैसा है, लेकिन पैसा भी पीछे रह जाता है, लेकिन सबसे पहले जो है वो चीज़ है नॉलेज। नॉलेज अगर आपके पास है तो आप सोसाइटी के अंदर एक अपना मकाम बना सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर पैसा ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा, उसके बाद नॉलेज और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन नॉलेज, मैं चूँकि एक रियलिस्टिक पर्सन हूँ, मैं तो नॉलेज को तरजीह दूँगा, उसके बाद पैसा बाद में आता रहेगा। तो नॉलेज अगर आप हासिल करते हैं इस दुनिया के अंदर, और उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है, नॉलेज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, इल्म भी एक दौलत है। तो अपने आप को नॉलेज की तरफ लेके आएं, इल्म हासिल करें, चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जैसे स्टडीज़ आती हैं, मिल्क से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है, ऐसे इंसान के अंदर भी कुछ स्टडीज़ हैं। पहले मेहनत कम करनी पड़ती है, फिर और ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर और ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर और ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे, इंशाल्लाह आप प्योर होते जाएंगे, प्योर होने के बाद आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो अपने आप को प्योर करें, अपने आप की वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने ऊपर मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, ठीक है, नॉलेज हासिल करें, स्किल्स सीखें, उसके बाद जो है वो बाकी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।